लोग इकाई दहाई सैकड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये एक क्यूब है तो इसको हम क्या कहेंगे, इकाई। ये इकाई को प्रदर्शित कर रहा है, यानी एक इकाई का मतलब होता है एक, दो इकाई का मतलब, पांच इकाई का मतलब, दस इकाई का मतलब दस होगा, लेकिन उसको हम लोग क्या कहेंगे, दहाई। क्या कहेंगे, एक दहाई। एक दहाई में कितना होता है, दस। दो दहाई में, और आठ दहाई में, दस दहाई में, सौ, यानी एक सैकड़ा। क्या कहेंगे उसको, एक सैकड़ा। सबको मालूम है, सबको मालूम हो गया, बोलो। चलो, एक सैकड़ा का मतलब क्या होता है, एक सौ। चलो बहुत अच्छा। चलो सुधांशु ये बताओ, जब तुम दुकानदार के पास जाते हो, जब तुम्हें एक किलो चीनी लेना हो तो दुकानदार क्या करता है, क्या करेगा दुकानदार, पहले क्या करेगा, पहले बटखरा चढ़ाएगा किसी पलड़े पर, चढ़ाओ बटखरा, मान लो एक किलो है, ठीक है चढ़ा दिया, अब क्या करेगा दुकानदार, चीनी देगा। वो कहाँ रखेगा चीनी को, अच्छा मान लो वो चीनी का बोरा है, उसको रख के देखो, बराबर हुआ नहीं हुआ, अब बराबर हो गया। इस तरह से दुकानदार तौलेगा और बराबर तौल करके वो सामान को हमें देगा, ठीक है। ये है आर्या की, आर्या इधर आओ, पहले ये बताओ एक किलो में कितना ग्राम होता है, 1000, वेरी गुड। और आधा किलो में, 500 ग्राम, बहुत अच्छा। अच्छा अरे ये बताओ, तुम दुकान गई हो कभी सामान लेने, ठीक है, अगर दुकानदार से तुम आधा किलो चना खरीदना हो तो दुकानदार क्या करेगा, क्या करता है, करता क्या है, दुकानदार क्या बोलता है, पहले करता क्या है वो बताओ। हाँ, एक में बटखरा रखता है और एक में सामान रखता है। अच्छा तुम बताओ, एक में बटखरा रखो, मान लो कि वो आधा किलो का बटखरा है, ठीक है, अब आधा किलो सामान कहाँ रखाएगा, इसमें रखेगा सामान। फिर तुम कैसे लेती हो, अगर वो बटखरा नीचे रहेगा तो क्या तुम सामान ले लोगी, नहीं, तब सामान क्या करेगा, चोरी कर लेगा दुकानदार, सामान चोरी कर लेगा। क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जब बराबर होगा तब हम सामान को लेंगे। चलो बहुत अच्छा। देखो बच्चों, ये जो सामने रखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, इसका नाम एवेकस है, ठीक, बहुत बढ़िया। कौन बताया, चलो ये दिव्यांशु बताया, एवेकस, ठीक है। ये क्या है? बता सकते हो, इसमें जो दो विकेट की तरह जो खड़ा है इसे क्या कहते हैं, एवेकस है। ये बताओ कि कितना नंबर होगा, मानो कि ये ब्लू वाला है इकाई को सूचित करेगा, और दहाई वाला जो है ये लाल रंग है वो दहाई को सूचित करेगा। हमारे पास कुछ गोली भी है, ब्लू गोली इकाई को प्रदर्शित करेगा और जो लाल वाला है वो दहाई को प्रदर्शित करेगा। अब इसमें हम कुछ गोली डालेंगे और तुम बारी बारी आकर के बताना कि कितना नंबर हुआ। इसमें एक गोली डाले, गोली किसमें डाले हम, इकाई वाले में कि दहाई वाले में डाले, इकाई में डाले, और इसमें भी एक गोली हम ये डाल दिए, बता सकते हो कितना हुआ, 11, यानी एक इकाई और एक दहाई, ये 11 अंक को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम बारी बारी से दोनों से बुलाएंगे, कुछ नंबर बोलेंगे, वो प्रदर्शित करके यहाँ पे दिखाना होगा। यहाँ हम एबेकस में कुछ गोली डाले हुए हैं, तुम आ करके पहले बताओ कि इकाई में कितनी गोलियां हैं, चलो, और दहाई में कितना हुआ, लिख के बताओ। चलो बहुत बढ़िया, तुम इधर आओ। एबेकस में इकाई में कितना गोलियां हैं, 3 गोली, और दहाई में कितना हो गया, लिख के बताओ।
43। चलो बहुत